हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कोड विद पंकज। हैकर रैंक पे जो 30 डे ऑफ कोड चैलेंज चला हुआ है, आज हम उसकी जो फोर्थ केस स्टडीज है उसको सोल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है डे 4 क्लास वर्सेस इंस्टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है हैकर रैंक। जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी को ओपन करना है। यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से। लॉगिन फॉर डेवलपर्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर लिखा है 30 डे ऑफ कोड कंटिन्यू प्रैक्टिस, आपको क्लिक करना है कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो सारी लिस्ट है जिसमें आपके सारे केस स्टडीज है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कितने केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर और जाना होगा इस पेज के लास्ट में। डे 0 से डे 3 तक हम ये सारी जो केस स्टडीज है वो प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके हैं, तो आज हम कवर करने वाले हैं डे 4 क्लास वर्सेस इंस्टेंस। तो क्लिक करते हैं सॉल्व चैलेंज पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसपे आपके सामने कुछ थ्योरीज लिखी गई है, आपको पहले इसको रीड करना होगा। रीड करने के बाद ही आपको अपने एडिटर पर जाना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में इन्होंने साफ साफ बताया गया है कि ये जो टॉपिक है क्लास वर्सेस इंस्टेंस, ये जो टॉपिक है ये हर किसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे सी लैंग्वेज हुई तो ये जो टॉपिक है सी लैंग्वेज से बाहर है। हालांकि हम इन क्वेश्चन को सी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है क्लास वर्सेस इंस्टेंस ये C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का है। उसके बाद इन्होंने कुछ टास्क दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। इसमें करना है कि आपको सबसे पहले एक क्लास बनानी है पर्सन नाम से और उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज नाम से, और उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्शन डिफाइन करना है जिसमें कि इनिशियल एज नाम का एक पैरामीटर पास हो, और उसके बाद आपको कन्फर्म करना है कि वो जो इनिशियल एज है वो लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। अगर वो लेस देन जीरो हुई तो उसके लिए आपको जो है एक कंडीशन पास करनी होगी जिसमें कि आप उस एज को जीरो इनिशियलाइज कर देंगे और साथ में प्रिंट करेंगे कि एज इज नॉट वैलिड सेटिंग एज टू जीरो। और उसके बाद आपको एक फंक्शन पास करना होगा जिसका नाम होगा ईयर पासिस, उसमें आपकी जो एज होगी जो एज नाम का वेरिएबल है उसको +1 कर देना है, और फिर उसके बाद एक फंक्शन और पास करना है जिसका नाम है MIOld, उसमें चेक करना है कि आपकी एज अगर लेस देन 13 है तो प्रिंट करना होगा यू आर यंग। अगर आपकी एज जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 13 है और लेस देन 18 है तो प्रिंट करना होगा यू आर ए टीनेजर। अदरवाइज अगर एज वेरिएबल ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट करना होगा यू आर ओल्ड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट में दिखाया गया है कि अगर उसने किया था एज को -1 तो -1 के लिए प्रिंट कर देगा एज इज नॉट वैलिड और सेटिंग एज टू जीरो, और अगर एज हुई 18 तो 18 के लिए यू आर ओल्ड, और अगर आपकी एज हुई 13 से ग्रेटर और 18 से लेस देन यानी कि 16 तो ये प्रिंट करेगा यू आर ए टीनेजर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है बट आपको कोई लैंग्वेज चूज नहीं करनी है, जो डिफॉल्ट C++ दी गई है आपको उसी के थ्रू इसको सोल्व करना होगा। यहाँ पर सी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, तो इसलिए आप इसको सी के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हो।
तो आपको यहाँ पर सी प्लस प्लस ही रहने देना है। और साथ में एक चीज़ और है कि जो कोड इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया गया है उसको रिमूव नहीं करना है। हालांकि आप उसमें अपना कोड ऐड कर सकते हो, पर जो डिफॉल्ट कोड लिखा गया है आपको उसको बिल्कुल नहीं हटाना है, नहीं तो जो आपका प्रोग्राम है वो सारा खराब हो जाएगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारा कोड पहले से लिखा गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना कोड लिखना होगा, आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे कमेंट्स लिखा गया यहाँ पर, और थोड़ा कोड यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, इससे अलग आप कहीं और पर एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, इसको करते हैं अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जो हम हेडर फाइल पास करने वाले वो है आईओ स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पर एक लाइन और पास की गई है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है या फिर जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे क्लास हुई और क्लास के वेरिएबल्स हुए या फिर कोई अदर फंक्शंस हुए, हम उनको यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको एक क्लास पास करनी है पर्सन नाम से, जो कि बाई डिफॉल्ट उन्होंने पास की गई है। और यहाँ पर जो ये पैरामीटर पास किया गया है पब्लिक नाम से, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे वो हम अपने कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ इनको एक बार डिक्लेयर करेंगे और यूज़ हम इनको बार बार कर सकते हैं। जैसे कि इंट एज हुआ, हम इसको अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैरामीटर ये हुआ इनिशियल एज, एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया गया है आई एम ओल्ड नाम से, और एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया गया है ईयर पासिस के नाम से। तो आपको इनको बिल्कुल टच नहीं करना है और यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आप एज वेरिएबल है वो लेस देन जीरो तो नहीं है, अगर वो लेस देन जीरो है तो उसको जीरो से इनिशलाइज कर देना है। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं, इफ इनिशियल एज इज लेस देन जीरो तो यहाँ पर प्रिंट करेगा। जो यहाँ पर यूज किया गया सी आउट, सी आउट यूज होता है प्रिंट करने के लिए, जैसे कि सी लैंग्वेज में यूज होता था प्रिंट एफ फंक्शन, ऐसे यहाँ पर यूज होता है सी आउट फॉर आउटपुट के लिए। अगर हमारी एज यहाँ पर लेस देन जीरो हुई तो ये प्रिंट करेगा एज इज नॉट वैलिड। सेटिंग एज टू जीरो को लास्ट में लगा देना एंडल। जैसे हम सी लैंग्वेज में यूज करते थे बैकस्लैश एन, यानी कि लाइन फिनिश होने के बाद जो अगली जो आने वाला वेरिएबल है या फिर जो अगले आने वाली लाइन है वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट लाइन से, यानी कि लाइन फिनिश होने के बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं एंडल, आने वाली जो भी अगली वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो अगर हमारी एज यहाँ पर लेस देन जीरो हुई तो प्रिंट कर देंगे एज इज नॉट वैलिड एंड सेटिंग एज टू जीरो। ये क्वेश्चन में बताया गया था कि यहाँ पर अगर एज लेस देन जीरो हुई तो प्रिंट करना होगा एज इज नॉट वैलिड सेटिंग एज टू जीरो, और साथ ही साथ जो एज नाम का वेरिएबल है उसको जीरो इनिशियलाइज कर देना है। यहाँ पर दिखाया गया है कि इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देना है, तो हमने उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद इसकी एल्स कंडीशन में लगाते हैं, अगर एज लेस देन जीरो नहीं हुई तो जो हमारी एज नाम का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देंगे इनिशियल एज से। यहाँ पर ये किया है कि अगर आपकी एज लेस देन जीरो है तो इनवैलिड है तो उसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, और अगर एज ग्रेटर देन जीरो है तो हम उसको इनिशियलाइज एज में सेव कर लेंगे।
यानी कि जो एज के अंदर वैल्यू थी अब वही वैल्यू इनिशियल एज के अंदर है। तो हमारा इस वाले फंक्शन का काम हुआ कंप्लीट। अब चलते नेक्स्ट वाले फंक्शन पर। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो एज नाम का वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 13 है या नहीं है। तो कंडीशन लगाते हैं इफ की हेल्प से। अगर एज नाम का वेरिएबल लेस देन 13 हुआ तो ये प्रिंट करेगा यू आर यंग। लाइन फिनिश होने के बाद यूज करते हैं एंड एल। ये ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर एज भी लेस देन 13 तो प्रिंट करेगा यू आर यंग, और अगर एज हुई लेस देन 18 बट ग्रेटर देन 13 तो प्रिंट करेगा यू आर ए टीनेजर। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब काम करते लेस देन 18 पर। नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ की हेल्प से। यदि हमारी एज हुई लेस देन 18 तो उसके लिए प्रिंट करेगा यू आर ए टीनेजर। लाइन फ्रेस होने के बाद यूज करते हैं एंडल। और जो लास्ट कंडीशन बचती है, अगर एज का वेरिएबल ग्रेटर देन 18 हुआ तो प्रिंट करेगा यू आर ओल्ड। तो ये हमारी लास्ट कंडीशन है। तो एल्स में लगाते हैं। यू आर ओल्ड। लाइन फ्रेस होने के बाद यूज करते हैं एंडल। अब बस एक स्टेप दूर और है। वो लास्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर बताया गया था कि एक फंक्शन यानी कि ईयर पासिस के नाम से जो फंक्शन है उसको जो एज नाम का वेरिएबल है प्लस बाय 1 कर देना है। यानी कि एज नाम के वेरिएबल को एडिड बाय 1 कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं ईयर पासिस के नाम से ईयर है यहाँ पर फंक्शन। तो इसमें हमको क्या करना है कि एज नाम के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1 से। तो इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, यानी कि 2 बार प्लस प्लस। अभी हमारा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। तो टेस्ट करने के लिए क्लिक करते हैं रन कोड पर। कंग्रेचुलेशन, आपका कोड बिल्कुल सही है। वैसे मैं आपको बता दूं इस कोड में करना क्या था कि एज नाम का वेरिएबल एक इनपुट किया गया है। पहले चेक करना था कि वो लेस देन 0 है या नहीं है। अगर लेस देन 0 है तो वो इनवैलिड है, उसको 0 बना देना है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो जो एज के अंदर वैल्यू थी उसको इनिशलाइज कर देना है इनिशियल एज से। फिर चेक करना है कि अगर एज नाम का वेरिएबल लेस देन 13 हुआ तो प्रिंट करना है यू आर यंग। अगर एज नाम का वेरिएबल लेस देन 18 हुआ तो प्रिंट करना है यू आर ए टीनेजर। और अगर एज नाम का वेरिएबल ग्रेटर देन 18 हुआ तो प्रिंट करना है यू आर ओल्ड। तो अभी क्लिक करते हैं सबमिट कोड पर। तो कोड जो है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो अभी आपने जो है 30 पॉइंट्स को अर्न कर लिया है। तो वापस चलते हैं 30 डेज ऑफ कोड पर। तो अभी हमारी डे 0 से लगा करके डे 4 तक सारी जो केस स्टडीज थी वो सोल्व हो चुकी है। जो डे 5 वाली लूप्स वाले जो केस स्टडीज है वो हम सोल्व करने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आप डे 0 से डे 4 तक कोई भी केस स्टडीज देखना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।